नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपको बताने जा रहा हूं। प्रायः लोगों के या तो उनके द्वारा कोई कोर्ट केस लगाया जाता है या उनके विरुद्ध किसी के द्वारा केस लगाया जाता है, और इस केस की कोर्ट जानकारी आपको, कोर्ट केस जो चल रहा है, कब तारीख है, क्या कार्यवाही हुई, क्या प्रोसेस है, ये सारी जानकारी, कहाँ तक आप पहुंचे, आपके केस का क्या स्टेटस है, ये सारी जानकारी इस कोर्ट केस के संबंध में मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, वीडियो को एस्केप मत कीजिए, क्योंकि क्या है, आपको जब भी कोई केस आप चलाएं या दूसरा आपके विरुद्ध चलाए, सारी जानकारी अपने अधिवक्ता से प्राप्त करनी पड़ती है। आपको ये पता ही नहीं होता है, किसी कारण से आप अधिवक्ता के संपर्क में नहीं जा पाए, तो कोर्ट केस की जानकारी को आप घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये इस वीडियो में जानिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। कोर्ट केस का स्टेटस क्या है, हाउ टू चेक द कोर्ट केस स्टेटस ऑनलाइन। तो ये आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है, हर व्यक्ति कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल यूज करता है, नए बच्चे तो ज्यादा ही यूज करते हैं, तो इसको सीखिए थोड़ा सा, और क्या कार्यवाही हुई तो आपको पूरी तरह से एडवोकेट पर आपके केस के बारे में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और लीगल फील्ड में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी व्यवस्था कर दी गई है। ई कोर्ट्स हो गए सारे, ई फाइलिंग, ई कोर्ट्स, सारी जानकारी आपको घर बैठे एंड्रॉयड और यूएस दोनों में मिलेगी। तो ये आप ई कोर्ट सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सीएनआर केस का नंबर दर्ज होते ही एंटर कीजिए। ई फाइलिंग है, क्यूआर कोड आता है, केस का टाइप क्या है, ये सारा टाइप करने पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, नंबर रजिस्ट्रेशन का, हर केस का जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक नंबर सीएनआर नंबर दिया जाता है, वर्तमान स्टेटस क्या है, निर्णय कब हुआ, ये सारी जानकारियां आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। उसमें वकीलों का नाम, कौन सी तारीख लगी, कब निर्णय हुआ, पार्टीज के क्या नाम थे, कोर्ट का क्या नाम था, किस जिले में स्थित है, फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, इंटरिम ऑर्डर क्या हुआ, पीडीएफ से आप जजमेंट भी इसमें लोड कर सकते हैं। तो ये सारी कॉज लिस्ट वगैरह जो तैयार होती है उसको भी आप देख सकते हैं, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक आपको मिल जाएगा। तो डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप कोर्ट केस की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर सकते हैं। सर्वर में आप जाएंगे, 7 दिन पहले और बाद की कॉज लिस्ट आपको पता लग जाएगी, सारा सीएनआर नंबर क्या है, ई फाइलिंग कब, आपके केस का क्या स्टेटस था, क्या कार्यवाही हुई, कब अगली तारीख लगी, कब जजमेंट होना है, कब और कार्यवाही हुई, सब आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कोर्ट केस का स्टेटस, हाउ टू चेक द कोर्ट केस स्टेटस ऑनलाइन, ये मैं आपको सरल भाषा में बताने में सफल हुआ। जुड़े रहिए इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरा उद्देश्य यही है कि आम सामाजिक नागरिकों तक कानून की जानकारी पहुंचे, और इसी उद्देश्य से इस चैनल पर मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे वो कानूनी विद्यार्थी हो, समाज का व्यक्ति हो और लोग हों, सभी को कानूनी जानकारी से अवगत कराना है। तो जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, उसके वीडियोज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।